नमस्कार जी टीवी में आपका स्वागत है। बांदा पुलिस ने आज मोबाइल चोरों को पकड़कर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया, जहां ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों के मोबाइलों का भी चोरियों का मामला प्रकाश में आता रहा। लेकिन बांदा पुलिस अपने मुखबिर की सूचना पर काफी दिनों से लगी रही। आज दो साथी मोबाइल चोर अपराधियों को गिरफ्तार कर 11 मोबाइल बरामद किए हैं, वही दो मोबाइलें टूटी फूटी भी बरामद। बांदा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल चोर शहर में मर्दन नाका इलाके में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था कि मोबाइल आए दिन चोरी हो जाती है, जिसकी मोबाइल की चोरी पर पुलिस ने सशक्त और एक्टिव होते हुए अब मुखबिर की सूचना पर दो मोबाइल चोर शहर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें दबिश देकर गिरफ्तार शाबिर के पास से कई मोबाइल फोने बरामद हुई हैं, वहीं दूसरे तालीम नाम के अभियुक्त से 6 मोबाइलें बरामद की हैं। पूरे मामले में COCT राघव सिंह ने जांच कर उन्होंने बताया कि सातिल किस्म के चोर के ये चोर हैं, जो ट्रेन के सफर करने वाले यात्रियों के गेट पर खिड़की पर सफर कर रहे लोगों से लाठी और डंडे से उनके हाथ पर मारकर उनके मोबाइल गिरा देते हैं, जिससे उन्हें मोबाइल मिल जाती है और ट्रेन गुजर जाती है, जिससे यात्री चिल्लाते रह जाते हैं। लेकिन इनकी आदतों पर काबू नहीं आ सका था, बल्कि यहां तक कि ट्रेनें जैसे ही स्लो धीरे होती थी वैसे ही उनके हाथों से पंजा मारकर छीन लिया करते थे, जिसकी शिकायत बार बार थाने चौकियों में आती थी और पुलिस एक्टिव होकर जांच में जुटी हुई थी। लेकिन मुखबिर की सूचना पर इन दो चोरों को दबिश देकर बीती रात में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 13 मोबाइलें बरामद हुई। पुलिस संबंधित बातें आ रही थी, खासतौर से जो यात्री लाइन है, तो ऐसे हम लोगों ने मुखबिर तैनात कर रखी थी। कल सूचना मिली कि वही व्यक्ति जो लगातार इस तरह से मोबाइल चोरी कर रहे हैं, छीने भी कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं वहाँ पे पत्थरपुर बाबा के पास में वहाँ पे मोबाइल बेचने की तलाश में है और उन्हें ग्राहक की तलाश है। तो इस सूचना को सही मान के पुलिस वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर जो संदिग्ध बरामद किया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम इस तरह से मोबाइल चोरी काम करते हैं, उनके पास मोबाइल भी बरामद हुए और उनको तस्दीक किया गया। तो फिर उनसे पूछा गया क्या उनका मोटर से फैन है, तो उन्होंने बताया कि जब भी ट्रेन स्टेशन से छूट के जब निकलती है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हम लोग किनारे खड़े रहते हैं, तो जो व्यक्ति सीढ़ियों में बैठे होते हैं ट्रेन की या फिर खिड़की से मोबाइल से बात करते हैं, तो हम लोग या तो डंडा मार के या हाथ मार के उनका मोबाइल नीचे गिरा देते हैं। ट्रेन चल रही होती है तो कोई उसको उतर नहीं पाता है और हम लोग मोबाइल पहन के ले लेते हैं। तो मोबाइल बरामद हुए हैं, 13 मोबाइल हैं और इनके मालिकों की आज की बात है का आई वाई और नंबर है, जो एक आदमी मिले हैं बराबर करा के इनका जो वास्तविक मालिक है उनको तलाश करा के समझ। बांदा से हमारे संवाददाता अरबाज खान की खास रिपोर्ट।